please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और आज एसएमई कॉर्नर पे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मिस्टर विक्रम लिमाये जुड़ते हुए. विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के और एसएमई की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. अच्छा, सेपरेट प्लेटफॉर्म है आपका भी एसएमई के लिए जो एनएससी इमर्ज, कैसा परफॉर्म कर रहा है सर? क्या एनएससी का दबदबा वहां भी बरकरार है? मार्केट शेयर के लिहाज से कैसा खड़े हुए आप? तो एनएससी इमर्ज जो हमने शुरू किया है वो एसएमई आईपीओ लिस्टिंग के लिए किया है एंड प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल. अभी करीब 120-122 कंपनी एसएमई इमर्ज पे लिस्टेड है. करीबन 1700-1800 करोड़ रुपया कैपिटल रेज हुआ है एनएससी इमर्ज पे एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज कंपनीज इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हायर. एक्चुअली अगर आप हमने एक इंडेक्स भी शुरू किया था, एनएससी एसएमई इंडेक्स शुरू किया था और वो एसएमई इंडेक्स का जो पिछले साल का जो रिटर्न है वो करीबन 60-70% रिटर्न है रिलेटिव टू द निफ्टी व्हिच वाज अबाउट 24-25%. सो द एसएमई कंपनीज हैव ऑब्वियसली गिवन अ वेरी गुड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमने पिछले 4-5 महीने में देखा है कि एसएमई कंपनीज़ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट काफ़ी है. तो पहले तो सिर्फ एचएनआई और हाई नेटवर्थ का इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट एसएमई कंपनीज़ में है एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. नहीं, यस, और यही रीज़न है सर इस एसएमई की मुहिम शुरू करने का, एसएमई का कवरेज शुरू करने का, क्योंकि तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, कई सारी कंपनीज में बड़े निवेशक घुसते हुए तगड़े रिटर्न्स वो स्टॉक्स दे रहे हैं, तो जहां पैसा बन रहा है वहां पे हमें भी चेक करना है हो क्या रहा है और समझना है उस बाजार को. अच्छा, एसएमईज के लिए हम लगातार कई लोगों से, मिनिस्टर साहब जुड़े थे सर बुधवार को, तब उनसे भी बातचीत हुई थी, तो यही सवाल था कि जो एक्सेस टू कैपिटल है वो सबसे बड़ी चुनौती है एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए इस देश में. अच्छा, ये जो एक्सचेंजेस का प्लेटफॉर्म है किस हद तक उस कमी की भरपाई कर पा रहा है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर कैपिटल रेजिंग फॉर एसएमईज एंड जैसे आपने कहा एक्सेस टू कैपिटल इज़ वन ऑफ द की ऑब्स्टिकल्स फॉर ग्रोथ ऑफ एसएमईज. तो एनएससी ने एनएससी इमर्ज एक्विटी आईपीओ कैपिटल रेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म किया है, वैसे ही एक डेट के लिए भी है एनएससी का जो जॉइंट वेंचर सिडबी के साथ है और उसका नाम है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, वो हमने शुरू किया है सिडबी के साथ जेवी में और वो दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. रिसेंटली बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ, बजट के पहले भी अनाउंसमेंट हुआ कि लॉट ऑफ द पीएसयू कंपनीज आर गोइंग टू बी रजिस्टरिंग ऑन द रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर डेट कैपिटल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इनवॉइसेस है एसएमईज के वो इमीडिएटली डिस्काउंट होके एसएमईज को पैसा मिलता है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर. और एसएमई का जो कस्टमर है वो लार्जर कंपनी होता है तो उसके क्रेडिट के हिसाब से रेट भी अच्छा मिलता है और पैसा भी तुरंत मिलता है. तो वो हमने डेट के लिए किया है, आईपीओ और कैपिटल इक्विटी कैपिटल के लिए एनएससी इमर्ज किया है. वो जैसे मैंने बताया इट्स डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड सो वी आर ट्राइंग एज एनएससी, वी आर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू सॉल्व बोथ प्रॉब्लम्स, इक्विटी कैपिटल एज वेल एज डेट कैपिटल फॉर एसएमईज. अच्छा, तगड़े रिटर्न्स जिसे मैं हाईलाइट करा था, वो जो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग्स हो रही हैं और जैसे आपने मेंशन करा आप, तो वो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे तमाम बड़े प्लेयर्स जुड़ रहे हैं. मुझे बताएं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका भी क्या रुझान बढ़ रहा है? हाँ, आप लोगों ने वो सेफगार्ड्स के तौर पे हायर थ्रेशोल्ड लगा रखी है, उसके बावजूद क्या रिटेल का इंटरेस्ट, रिटेल का पार्टिसिपेशन इस प्लेटफॉर्म में, इस एक्सचेंज में बढ़ रहा है? रिटेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा है और बढ़ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज द रिटर्न्स दैट एसएमई कंपनीज हैव गिवन, मैंने जैसे बताया, आर फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट द लार्जर मार्केट हैज़ प्रोवाइडेड एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन एसएमई कंपनीज. आपने जैसे कहा थ्रेशोल्ड इज़ मच हायर, सो इट कैन नॉट बी दैट द यू नो एनीबडी कैन इन्वेस्ट, यू हैव टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू आर विलिंग टू रिस्क बिकॉज दीज आर स्मॉल कंपनीज. और जैसे हमने देखा है equity markets are not risk free, there will be volatility, there will be downturns,
So we want to make sure that the right kind of people invest in the SME companies. अच्छा लिमाई साहब मैं देख रहा था बेहद strong बेहद अच्छी IPO pipeline है वो दिखाता है कि investors का और साथ ही जो companies हैं उनका खुद confidence इस route पर बढ़ रहा है पर largely मैं देख रहा था एक companies जो हैं वो गुजरात महाराष्ट्र इन geographies में restricted हैं खैर obvious भी है शुरुआत इन्हीं से होती है industrial कहा जाता है states हैं लेकिन awareness बढ़ाने के लिए बाकी regions में आप जैसी एक्सचेंजेस कुछ कर रही हैं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह कर रही हैं या रीच आउट कर रही हैं बाकी एसएमईज को वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और देर आर वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहां से भी एसएमई आईपीओज हो रहे हैं नॉर्थ में हो रहे हैं दिल्ली में हो रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रहे हैं तमिलनाडु में हो रहे हैं तो काफ़ी काफ़ी स्प्रेड आउट है इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट इन लिस्टिंग from SMEs and we are actively engaged in working with not only SMEs, chartered accountants, investment bankers, industry associations to spread the awareness. We do a lot of programs in various parts of the country in order to educate SMEs ki listing process kaisa hai, why it is an important thing to look at from a capital raising perspective, what kind of companies can list, because that is also exceedingly important. One point I would like to emphasize, ki NSE is very particular about the quality of companies that list. Kyunki isme kya hota hai ki these are companies that are small. So you have to make sure that their business model is robust, promoter quality is good, track record is good, they're trustworthy people with integrity. Kyunki agar do teen companies if the wrong kind of companies list and you know there is the experience is bad then it affects the entire market acha so limaye saab be careful that we maintain quality of companies acha limaye saab mujhe aap aaye the smes ke bare mein baat karne nse emerge jo nse ka exchange hai smes ke liye us pe khas taur pe baat karne ke liye mujhe bataya gaya hai ki aap wo jo global tie up aur jo tamam issues hai vivad chal rahe hain us par aap baat cheet nahi karenge lekin fir bhi sir हम सब आपसे जानना चाहते हैं एटलीस्ट उस ग्लोबल इशू पे बात नहीं करना चाहेंगे जो आप लोग डेटा शेयरिंग बंद कर रहे हैं लेकिन एनएससी का आईपीओ इसका तो हम सबको बेसब्री से इंतजार था अब तो लंबा टल चुका है सर क्या अपडेट है कब तक लाने की तैयारी है कहां तक पहुंचे देखिए मैंने पहले भी बताया कि आईपीओ का जो टाइमलाइन है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन सॉर्टिंग आउट ऑल द रेगुलेटरी इशूज that are with SEBI and that process is ongoing I don't have a timeline for you because SEBI has to come back on how it wants to take things forward and what the timeline would be for resolution so once I have clarity on that then we will be able to decide on a timeline for the IP jab clarity aayegi to aapke paas wapas aayenge lekin Vikram Limaye sahab aaj hamare liye waqt nikalne ke liye hamare is SME corner mein hamare sath judne ke liye aapka bahut bahut